आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। भर्तियों के घोटाले का पर्दाफाश, स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के प्रश्न लीक कराने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। एसटीएफ ने उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा बीपीडीओ का पेपर लीक करने के मामले में रविवार को खुलासा कर दिया। एसटीएफ ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें 37.10 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। यह पेपर चयन आयोग तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराने वाली फर्म के जरिए आउट हुआ। आरोपियों में 2 युवकों ने खुद भी परीक्षा दी, उनकी 42 और 53वीं रैंक आई। गिरफ्तार हुए आरोपी जयजीत दास पुत्र विमल दास निवासी पंडितवाड़ी, मनोज पुत्र बालकिशन जोशी निवासी मयोली दनिया अल्मोड़ा, आयोग का पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी, मनोज पुत्र रमेश जोशी निवासी पाटी जिला चंपावत सितारगंज स्थित कोर्ट में लिपिक सॉल्वर, कुलवीर पुत्र सुखवीर सिंह चौहान निवासी चांदपुर बिजनौर दून में कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, सूरवीर सिंह पुत्र अतर सिंह चौहान निवासी कालसी, वहीं पुत्र गौरव पुत्र गोपाल नेगी किच्छा निजी स्कूल का शिक्षक सॉल्वर। 60 लाख में लीक किया था योगी त्रिपलसी का पर्चा। तो योगी त्रिपलसी की 4 और 5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक कराने का मामला सामने आया। गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही 100 में से 80 सवालों को पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दिया था। साथ ही उन्हें रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में परीक्षा की तैयारी भी कराई थी। अभी तक एसटीएफ को मिली जानकारी के अनुसार 60 लाख रुपये में पर्चा लीक कराया था। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन बाद ही पेपर लीक करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी व एक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयजी दास को दिए थे 60 लाख रुपए। तो डीआईजी ने बताया कि आरोपी सूरवीर व कुलवीर ने अपनी पहचान के पछातियों के संबंध में चंपावत निवासी मनोज जोशी को बताया। मनोज जोशी ने अल्मोड़ा निवासी मनोज के साथ मिलकर कंप्यूटर प्रोग्राम जयजीत दास से पेपर लीक कराने के संबंध में बात की और 60 लाख रुपये दिए। गिरफ्तारी होने के साथ ही परीक्षा का परिणाम भी फंस गया है। स्नातक स्तर की परीक्षा का पर्चा लीक होने का मामला सामने आने के बाद अब आयोग की ओर से जारी की गई मेरिट और फाइनल परिणाम फंसने की आशंका पैदा हो गई है। एसटीएफ की ओर से गिरफ्तार किए गए गिरोह के 6 आरोपियों ने अभी पूछताछ में 4 परीक्षार्थियों से ही पर्चे के बदले धनराशि लेने की बात कबूली है, लेकिन एसटीएफ की माने तो आरोपियों ने कई अभ्यर्थियों को पेपर बेचे थे। दूसरी ओर इस मामले में आयोग की भूमिका भी सवालों में घिर गई है। 4-5 दिसंबर 2021 को परीक्षा कराई गई थी। इस मामले में बेरोजगार संघ की ओर से पूर्व से संभावना जताई जा रही थी कि पर्चा लीक हुआ है। बकायदा संघ की ओर से जो सवाल लीक हुए थे उनके स्क्रीनशॉट भी आयोग को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन आयोग ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। अब स्नातक स्तर की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला सामने आने के बाद पूर्व में हुई परीक्षाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आयोग से पेपर कॉपी करने वाले आरोपी जयजीत दास आयोग में वर्ष 2015 से कार्यरत है। वर्ष 2015 से अब तक करीब 7 साल में आयोग कई परीक्षाएं करवा चुका है। शक है कि वह पहले भी पर्चा लीक करवा चुका है। आयोग की भर्ती परीक्षाओं पर उठते रहे सवाल। तो समूह ग पदों की भर्ती में पारदर्शिता लाने और नकल रोकने के लिए यूकी त्रिपालसी की ओर से की गई बदलाव किए गए, लेकिन परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने में आयोग की रणनीति कारगर नहीं हुई। आयोग की भर्ती परीक्षा में यह पहला मामला है जब पूरा पेपर ही लीक हो गया। इससे पहले आयोग की ओर से करवाई जा रही भर्ती परीक्षा में नकल और सवालों में गड़बड़ी के मामले लगातार आते रहे हैं। वर्ष 2020 में हुई वन दरोगा की भर्ती में नकल की बात सामने आई। हरिद्वार के 13 केंद्रों में ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराई गई। यही नहीं, आयोग की ओर से सितंबर 2021 में सहायक लेखागार भर्ती परीक्षा कराई गई। 6 पालियों में हुई परीक्षाओं में 400 सवाल ही गलत दिए गए। भारत रचेगा इतिहास, मुर्मू आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नया इतिहास रचने जा रहा है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। आईएससी परिणाम शीर्ष 3 में 154 विद्यार्थी, 6 उत्तराखंड के। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 12वीं का परीक्षा के
परीक्षा के रविवार को घोषित नतीजे की योग्यता सूची में शीर्ष 3 में देश भर के 154 छात्रों ने जगह बनाई, जिनमें से उत्तराखंड के 6 छात्र हैं। उत्तराखंड में वैभव और संस्कार संयुक्त टॉपर, तो आईएससी की 12वीं की परीक्षा में उत्तराखंड में देहरादून के वैभव अरोड़ा और ऋषिकेश के संस्कार ध्यानी ने 99.50% अंक के साथ प्रदेश में टॉप किया। हरिद्वार में 8 कांवड़ियों की मौत, बीते 24 घंटे में 8 कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बैरागी कैंप क्षेत्र की पार्किंग में सोते हुए सोनीपत के 2 कांवड़ियों पर ट्रक चढ़ गया, जबकि फ्लाईओवर पर 2 बाइकें टकरा गई, जिसमें एक बाइक पर सवार कौसाम्बी के 3 कांवड़ियों की जान चली गई। इसके अलावा बदायूं के बाइक सवार 2 कांवड़ियों की कार की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं रुड़की में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 1 कांवड़िया ने दम तोड़ दिया। अगले महीने तक डिजिटल होंगे सभी राशन कार्ड, तो प्रदेश में अगले महीने तक अधिकतर राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड डिजिटल होंगे। शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों कर्मियों के तबादले में खेल तो अधिकारियों ने तबादला एक्ट को दरकिनार कर किए स्थानांतरण। जच्चा बच्चा की मौत पर CMO से रिपोर्ट तलब, तो जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में नाबालिग का प्रसव के बाद जच्चा बच्चे की मौत मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने CMO से रिपोर्ट तलब की है। 10 जिलों में 142 नए कोरोना संक्रमित मिले, तो प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 10 जिलों में कोरोना के 142 नए संक्रमित मिले हैं। भूस्खलन और कटाव से प्रदेश के 157 मार्ग बंद, तो आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक लोक निर्माण विभाग के तहत 71 और PMGSY के तहत 86 मार्ग बंद हुए, जिन्हें विभागीय एवं निजी मशीनों के जरिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू, तो सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4,457 आंगनवाड़ी केंद्र जो प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही स्थापित हैं उनमें बाल वाटिका की स्थापना की जा चुकी है। राष्ट्रीय ड्रोन नीति के तहत उत्तराखंड राज्य में ड्रोन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। हेलंग चारापति विवाद का विरोध तेज, तो हेलंग में महिलाओं से चारापति छीनने के मामले में रविवार को विभिन्न संगठनों का गुस्सा भड़क उठा। सड़कों पर दरके पहाड़, थमी रफ्तार, तो इस मानसून सीजन में अब तक प्रभावित हुई 1,465 सड़कें। मंकी पॉक्स की दिल्ली में दस्तक, तो मंकी पॉक्स ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। केरल में 3 मरीज मिलने के बाद इस बीमारी का देश में 4th मरीज दिल्ली में मिला है। दून से लेकर मसूरी तक झूमकर बरसे बदरा, भट्टा फॉल भी उपनाया, तो पहाड़ों की रानी मसूरी में रविवार को हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते भट्टा फॉल में बाढ़ सी स्थिति नजर आई, जबकि लंडोर का बूचड़खाना नाला बंद होने से तेज रफ्तार से पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे सड़क पर खड़ी स्कूटी और बाइक पानी में तैरती नजर आई। दून में 47, धारा में 45, मसूरी में 37 मिलीमीटर वर्षा हुई। आउटसोर्स कंपनी के प्रोग्रामर ने लीक किया था पेपर, तो उत्तराखंड चयन आयोग के पेपर लीक के मामले में आयोग के पूर्व कर्मचारी और कोचिंग सेंटर के निदेशक समेत 6 दबोचे गए हैं। बकायदा गिरोह बनाकर की गई थी गड़बड़ी, तो रामनगर के रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को याद कराए थे प्रश्न, जयजीत की ओर से प्रश्न उपलब्ध कराए जाने के बाद मनोज जोशी कोचिंग डायरेक्टर कुलवीर सिंह, सुरवीर सिंह चौहान, गौरव ने परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व अभ्यर्थियों को रामनगर स्थित एक रिजॉर्ट में बुलाया था। यहाँ मनोज के नाम से 3 कमरे बुक थे, जिसके बाद पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न याद कराए थे। अगली सुबह उन्हें परीक्षा केंद्र पहुंचा दिया गया था। SSP ने बताया कि फिलहाल अभ्यर्थियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई कि वे कितने थे और कौन कौन से सेंटर पर परीक्षा देने गए थे। अभी तक जो बात सामने आई है उसके अनुसार इतर अभ्यर्थियों ने देहरादून, हरिद्वार में परीक्षा दी थी। आयोग की अन्य परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में, तो स्नातक स्तर की परीक्षा में धांधली का खुलासा होने के बाद अब आयोग की अन्य परीक्षाएं भी संदेह के घेरे में आ गई हैं, क्योंकि जो गिरोह पकड़ा गया है उनके सभी सदस्य वर्ष 2015 से आपस में मिलते रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गिरोह ने कहीं अन्य परीक्षाएं में भी गड़बड़ी तो नहीं की। SSP या STF अजय सिंह ने बताया कि फिलहाल तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन आरोपियों से पूछताछ जारी है, साथ ही मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जो सामने आएगा उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा रद्द होगी या नहीं जांच के बाद पता, तो स्नातक स्तरीय BPDO परीक्षा रद्द होगी कि नहीं
यदि रद्द हुई तो मेहनत कर परीक्षा में चयनित हुए बेरोजगारों का क्या होगा, यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। अब तक पुलिस की जांच में चुनिंदा लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिलने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में आयोग इन्हें छोड़कर अन्य को नियुक्ति दे सकता है, लेकिन यदि लाभार्थी ज़्यादा हुए तो फिर परीक्षा पर संकट पैदा हो सकता है। उक्त परीक्षा आवेदकों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है। नीरज पर नाज, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। देश के लिए पहला रजत, हरियाणा के नीरज विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। उत्तरकाशी में भूकंप के झटकों से दहशत। तो जनपद में रविवार दोपहर एक बार फिर भूकंप झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही। इसका केंद्र भटवाड़ी के जामक गांव के जंगल में कनेथ में बताया जा रहा है। उत्तरकाशी में 5 दिन के भीतर दूसरी बार भूकंप दर्ज किया गया है। सतरंगी गोले में सूरज का नज़ारा। तो आसमान में रविवार को सतरंगी घेरे में कैद सूरज का नज़ारा कौतूहल का विषय बना रहा। दून के लोगों ने इस खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया, वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर साझा किया। देहरादून के आसमान में रविवार को अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। BPDO चयनित अभ्यर्थियों ने बनाया नियुक्ति का दबाव। तो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में धांधली की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद चयनित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया लटकने की चिंता सता रही है। बेरोजगारों ने कहा है कि कुछ लोगों की करतूत की सज़ा अन्य मेहनती युवाओं को न मिले, आयोग जाँच जारी होने के बावजूद नियुक्ति प्रदान करे। दूर में तेज बारिश के दौरान स्कूटर सवार नाले में बहा। तो शांति विहार नाले की घटना। रविवार शाम हुई तेज बारिश के दौरान नाले के पास सड़क पर बह रहे तेज पानी में स्कूटर पार कराने की कोशिश करना दोपहिया चालक को भारी पड़ गया। वह तेज बहाव में नाले में बह गया। घटना रायपुर थाना क्षेत्र के शांति विहार की है। स्कूटर पर सवार दूसरा व्यक्ति बच गया। टॉपर वैभव बनना चाहते हैं फाइनेंस एनालिस्ट। तो मैथ्स और अकाउंट्स में वैभव ने प्राप्त किए 100% अंक। वही खबर है चक्राता से। गुलदार ने खेत में बुजुर्ग महिला पर हमला बोला। तो तहसील टुंगरा गांव में खेत में काम कर रहे एक बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग को CSC चक्राता में भर्ती कराया गया। कांवड़ियों से मारपीट का वीडियो वायरल। तो हरदा रोड पर कांवड़ियों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान लाठी डंडे तक चलते हुए दिखाई दिए। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची दोनों गुटों की कांवड़ियाँ मौके से फरार हो गए। ऋषिकेश अखबार है ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से बालक की मौके पर मौत। तो ISBT के पीछे चंद्रभागा नदी के किनारे कच्ची सड़क पर ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से एक बालक की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। कांवड़ियों के सैलाब के आगे फोर लेन भी कम पड़ा। तो दूसरे दिन भी हरिद्वार ऋषिकेश हाईवे पैक घंटों जाम लगा। ग्रीन कॉरिडोर पर लगा जाम। पुलिस फोर्स के दिन भर हाथ पाँव फूले। अब बाइक वाले कांवड़ियों का सैलाब पहुंचा हरिद्वार। तो डाक कांवड़ के भारी तादाद के पहुंचने के साथ अब गंगा जल लेने बाइकर्स का सैलाब धर्मनगरी उमड़ पड़ा। धुधु कर जल उठे कांवड़ियों के 16 दोपहिए वाहन। तो दो जगहों पर अचानक आग लगने से कांवड़ियों के 16 दोपहिए वाहन जल गए। आग लगने की वजह वाहन का गर्म होना बताया जा रहा है। अग्निशमन वाहन के पहुंचने तक कांवड़ियों के वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके थे। हरिद्वार में रविवार को हाईवे किनारे पार्किंग पर खड़ी दोपहिया वाहनों में लगी आग से मची अफरा तफरी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठी फटकारी। आजकल मंदिरों में उमड़ेंगे भक्त, होगा जलाभिषेक। तो सावन के दूसरे सोमवार और अगले दिन होने वाली शिवरात्रि के लिए धर्मनगरी के शिवालय सज गए हैं। 2 दिन भक्तों का रेला मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ेगा। मांगों को लेकर के समलैकों ने निकाली रैली। तो प्रदेश की धामी सरकार के समक्ष रखी अपनी 4 मांगे। भू कानून के लिए घंटा घर तक निकाला जुलूस। तो हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर नया भू कानून बनाने व 2018 के जन विरोधी भू कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर के दर्जन भर संगठनों के पदाधिकारियों ने बारिश के बीच धरना प्रदर्शन करने के साथ ही गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक जुलूस भी निकाला।
प्रेमनगर के झाजरा में धर्मांतरण की सूचना पर हंगामा। तो थाना प्रेमनगर क्षेत्र के धर्मांतरण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हिंदू वाणी ने थाने में तहरीर देकर चर्च कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। SO प्रदीप रावत ने बताया कि दूसरे पक्ष ने मारपीट से इनकार किया, फिर भी मामले की जाँच की जा रही है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सिप इंडिया लिमिटेड में 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेना मुख्यालय उत्तरी कमान में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 21 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में भर्ती, तो 200 अग्निवीर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। UKMRC में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 5,505 पदों पर बंपर भर्तियां। तो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 5,505 बंपर पदों पर भर्तियाँ करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। SSC भरेगा अनुवादन के पद। तो कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर व सीनियर ट्रांसलेटर के पदों पर भर्तियां करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC 11 पदों पर नियुक्तियां करेगा। तो संघ लोक सेवा आयोग असिस्टेंट डायरेक्टर की 11 पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 11 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास युवा भारतीय नौसेना में अग्निवीर बने। तो भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गुलाम जम्मू कश्मीर वापस लेने पर पूरा देश एकमत। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर जम्मू से पाकिस्तान को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और रहेगा। अब तक 2.98 करोड़ यात्री रवाना हुए। सहायक ने एजेंट के नाम पर हड़पे 8 लाख रुपए। गाँव में पहाड़ी शैली में बनेंगे पंचायत भवन। तो बोले पंचायती राज मंत्री, महाराज उत्तराखंड के पंचायतों के सशक्तिकरण को केंद्र ने दिए 135 करोड़। वही खबर आई है जोशीमठ से, ग्रामीणों ने खुद बनाया अस्थाई पुल। तो शासन प्रशासन को दिखाया आईना, पुल निर्माण को कई बार लगाई थी गुहार। नहाते वक्त गदेरे में डूबे 2 युवक मौत। तो पौड़ी से खबर आई, विकासखंड पौड़ी चित्रनगत डुंगरी गांव के समीप गदेरे में नहाते वक्त 2 युवक पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों युवकों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने दोनों युवाओं को मृत घोषित कर दिया। दून विश्वविद्यालय में आज से शुरू होंगे प्रवेश। तो गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी बोली का सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू होगा। ISC की परीक्षा में बेटियों ने लहराया परचम। 10 अगस्त को श्रीनगर में निकलेगी तिरंगा यात्रा। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके। तो जामल गांव के जंगल में 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। हिम तेंदुओं के राज से हटेगा पर्दा। तो हिम तेंदुए दिवस पर 23 अक्टूबर को सार्वजनिक होंगे गणना के आंकड़े। रुद्र सेना ने फूका ब्राइट एंजल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुतला। तो काशी से खबर है, जीवनगढ़ के ब्राइट एंजल पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को 12:30 बजे तक स्कूल संचालन के फरमान को लेकर रुद्र सेना ने आक्रोश जताया। रविवार को दर्जनों युवाओं ने विकास नगर स्थित डाकपथ तिराहे पर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला दहन किया। रुद्र सेना संस्थापक राकेश उत्तराखंडी ने स्कूल की मान्यता रद्द कराने की मांग की है। हाल ही में ब्राइट एंजल स्कूल के प्रबंधक ने बच्चों की डायरी में प्रत्येक शुक्रवार को स्कूल 12:30 बजे तक खुलने का आदेश अंकित किया था। इस फरमान को अभिभावकों ने पढ़ा तो उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया। SDM विनोद कुमार ने स्कूल प्रबंधक को अपने ऑफिस बुलाकर बातचीत की और स्कूल के निदेशक कादिर हुसैन ने स्टाफ की सहूलियत के लिए ऐसा करने की बात कही थी। फिलहाल उन्होंने लिखित तौर पर क्षमा मांगी और निर्णय को वापस लिया है। वही खबर है, कालसी से पेड़ पर अटका वाहन, 12 पर्यटकों की जान बची। तो चक्राता से लौट रहे दिल्ली व गुरुग्राम के पर्यटकों का टेम्पो ट्रेवलर ब्रेक फेल होने के कारण कोथी भोंदी के पास खाई में पलटा, जिसमें वाहन में सवार 12 पर्यटकों को मामूली चोटें आई हैं। रानीखेत से खबर है, व्यापार मंडल के विरोध के बाद कुछ ही घंटे बाद बंद हो गई सेल।
बागेश्वर में वर्षा से 4 सड़कें बंद, तो वर्षा के साथ बाढ़ भूस्खलन मार्ग बंद होने से ग्रामीणों की दिनचर्या प्रभावित हुई। किराएदार का सत्यापन न कराने पर 4 मकान मालिकों पर 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं खबर है अल्मोड़ा से 5 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ जैती का तस्कर गिरफ्तार किया। वहीं खबर है सोमेश्वर से सुनराकोट नौला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। बीकेएसआर से खबर है पिता पुत्रों का बस में हंगामा, चालक पर चालक को पीटा। मनमानी प्रवेश पत्र में पिथौरागढ़ केंद्र परीक्षा हुई अल्मोड़ा में, तो सुभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय की लापरवाही का परिणाम पिथौरागढ़ और चंपावत के अभ्यर्थियों ने भुगता। प्रवेश पत्र में पिथौरागढ़ पीजी कॉलेज की परीक्षा केंद्र दर्शाया गया था, लेकिन परीक्षा अल्मोड़ा में हुई। शिक्षकों के पदों को भरने की मांग को लेकर के किया प्रदर्शन, तो नेपाल सीमा से लगे जीआईसी मंडला में शिक्षकों की कमी को लेकर के रविवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। शिक्षक संघ अध्यक्ष राजपाल सामंत के नेतृत्व में एकत्रित हुए ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जीआईसी मंडला में स्वीकृत शिक्षकों के 20 पदों में से 15 पद रिक्त चल रहे हैं। विद्यालय में स्थायी प्रधानाचार्य पद तक के पद रिक्त चल रहा है। शिक्षकों की कमी से छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से ऑटो कंपनी के कबाड़ में लगी आग। हवाई टिकट बुक कराने के नाम पर 3 लाख की धोखाधड़ी की गई। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से पिस्टल लहराते डांस का वीडियो वायरल हुआ। पुस्तक में बुक्सा समाज पर टिप्पणी से गुस्सा, आक्रोश मार्च का ऐलान, तो बाजपुर गदरपुर में लेखक पर कार्रवाई और पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से टेम्पो चालक की गर्दन पर पाटल से वार किया गया। पेट्रोल पंप की योजना बनाते 3 दबोचे, तो काशीपुर से खबर आई है। वही खबर है कटे पेड़ों की शवयात्रा निकाल दी श्रद्धांजलि, तो सहधारा रोड पर हो रहे कटान का विरोध करते युवा पर्यावरण प्रेमी। तीज महोत्सव में कलाकारों ने मोहा मन। स्वरोजगार योजना से खुले रोजगार के द्वार, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लक्ष्य से अधिक प्रस्तावों को मिली मंजूरी। वही खबर है पौड़ी से पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर आज से आवाजाही ठप रहेगी, तो पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सोमवार आज से 3 दिन तक आवाजाही पूरी तरह से ठप रहेगी। अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त सिलेंडर मिलना शुरू, तो 4 माह के अंतराल में दिया जाएगा 1 सिलेंडर। बद्रीनाथ में यात्रियों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंचा। वही खबर यह है लमगांव टेरी से सड़क का 20 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। बद्रीनाथ हाईवे के पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत बनी रही। कोटद्वार में 97.25% अंकों के साथ सोना ने किया नाम रोशन। प्रधानमंत्री के सामने सीएम ने रखा 2025 का विजन, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम ने रखा उत्तराखंड के विकास का रोड मैप। ओढ़ के भगवा चोला देखो दौड़ रहा भोला, तो डाक कंवड़ियों का उमड़ा सैलाब। यातायात प्लान नहीं आया काम, 6 किलोमीटर लगा जाम। वही खबर है हल्द्वानी से फौजी का घर खंगाल ले गए चोर, पर्दे तक नहीं छोड़े, तो पड़ोसियों के पूछने पर फौजी का मकान बिकने की बात कहकर की वारदात। थानेदार और चौकी प्रभारी एसपी सिटी ने बैठक की। भीमता से खबर है भूस्खलन से दहशत में है खैरोला के ग्रामीण। देहरादून जू में बाघ नहीं, अब सिर्फ बागीन के होंगे दीदार। वही खबर हल्द्वानी से प्रदेश में भू कानून के लिए दिया धरना। 1 महीने बाद मिला डॉक्टर महेश का शव, 23 जून को अनंतनाग में एक हादसे में तरसर झील में हो गए थे लापता। दूसरी बार अध्यक्ष बनी सुमित्रा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। चंपावत जिले में पर्यटकों और आस्था को विस्तार देंगे रोपवे। हादसे में निजी इंस्टीट्यूट के निदेशक की मौत, साथ ही घायल, तो मलबे की चपेट में आने से स्कूटी समेत नदी में जा गिरे। छिटकने से स्कूटी पर बैठे दूसरे सवार की बची जान। वही खबर है लोहाघाट से शिक्षकों के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन, तो मंडल जीआईसी में 20 में से 15 शिक्षकों के पद खाली हैं।
हुनरमंद अपनी चित्रकारी से जिंदगी में भर रहे खुशियों के रंग तो रोजगार के लिए भटक रहे लोगों के लिए नज़ीर हैं पप्पू बिष्ट। 50 स्कूलों और 40 आंगनबाड़ी केंद्रों में अपनी काबिलियत की छोड़ चुके हैं छाप।